गाइस आज पूजा का दूसरा दिन है। हम लोग नहा धो के अब जा रहे हैं जहाँ पूजा होनी है। आज मेरा व्रत है और मैं आपको दिखाता हूँ कि रास्ता कैसा चल रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। आप लोगों ने कुंफू पांडा 2 देखी होगी या 1 देखी होगी या 3 देखी होगी। जैसे उसमें वो बोलता है उसके दुश्मन है सीढ़ियाँ, वैसे दुश्मन मेरी भी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ बस हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। कुछ लोग आ रहे हैं बहुत धीरे धीरे, ये सारे थक गए हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ आगे चलो, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। आम का पेड़, ये बार आम का पेड़ है तो बहुत आम लगते हैं। मेरे चाचा है और मेरी पूजा हो रही है। क्या हो रही है? हमारी पूजा हो रही है। खैर मैं दोबारा दिखाता हूँ। गाइज ये मेरे कृष्ण ब्रदर हैं, कल चुके हैं और इनके हाथ में पूजा की थाली है और नागराज देवता की पूजा हो रही है जैसे मैंने पंडित जी से पूछा था। ये मेरे पापा हैं योगी भैया है, मेरे कृष्ण ब्रदर, वो भैया हैं, मेरे बिनू भैया हैं, मेरे चाचा जी हैं, वो पप्पू भैया हैं, वो चाचा जी हैं, वो पंडित जी हैं, वो सारा साफ कर रहे जंगल वगैरह क्योंकि वहाँ पे उनको अंदर पानी का रास्ता है तो वहाँ पे जाके पूजा करनी है। वो सफाई कर रहे हैं वहाँ पे जी। क्या बोलते हैं ये चाचा को? सिमाल भावानुसारेण सदा नराणां विष्णुपादादि शम्भूते गंगा तिलपथ गामनीं दया दर्विते धर्मं हरमे पाप जहनवी प्रार्थनां समर्पयामि गंगादि शब्द सरिताभ्यां नमां पाद्यादीनीं समर्पयामि। जस्सू चाचा फोड़ रहे हैं। ये मेरे जस्सू चाचा हैं, इन्होंने श्रीफल फोड़ा है अभी। ये सूखा होता है इसलिए इसको फोड़ने के लिए मुश्किल होता है। गाइस ये है कंडली, बहुत सारे उत्तराखंड के लोगों को पता होगा। इसमें एक बहुत छोटे छोटे कांटे से होते हैं और अगर आप कभी आते हो किसी भी अगर आप आते हो कभी भी अपने दोस्तों के साथ में जो कि उत्तराखंड का नहीं है कहीं भी है, और जो बहुत शरीफ दोस्त होता है आप अगर हल्का सा उसको लगा देंगे ना उसके थोड़े से इन दाने दाने उसको खुजली हो जाएगी बहुत। तो लेकिन उपाय मैं बता देता हूँ, इसमें सरसों का तेल अगर लगाओगे आप या कोई भी तेल लगाओगे तो ठीक हो जाता है। तो उस शरीफ दोस्त के लिए ये एक इलाज है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपको बताता रहूँगा, जो मैं आपको दिखाता रहूँगा, जो कि उत्तराखंड में बहुत कॉमन होती है, मे भी शायद बाकी जगह ना मिलती हो, ठीक है? तो अभी पूजा ख़त्म होके फिर अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घरों की तरफ एंड उसके बाद में मिलते हैं आपसे, ठीक है? मेरे फिजिक्स के दोस्तों के लिए मैं बताया था, ये नेचुरल लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ लगा रखा है, ठीक है? कोई भी बिजली आती है इसमें कड़क जाती है, ये आप देख सकते हो। इट्स अ नेचुरल लाइटनिंग अरेस्टर। इसकी अर्थिंग कहाँ पर गई हुई है वो हमें नहीं पता। गाइस यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम बीच में हुआ था कि मैंने ऑडियो में भी शायद आपको ना आए तो मैं उसके लिए पीछे से बैकग्राउंड साउंड दूंगा। तो अभी हम लोग जब वहाँ से ऊपर से नीचे आ चुके हैं, बस हम थोड़ा रास्ता देख रहे हैं कि हम रोड से ही नीचे जाएं जो कि थोड़ा लंबा है या बीच में से कोई कट है जो पहले हुआ करता था लेकिन आजकल लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस शायद हमें छोटा रास्ता मिल गया है जो थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। हम रोड के थ्रू नहीं जाएंगे अब, मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज मेरे एक हाथ में जैकेट है, एक हाथ में मेरी छतरी भी है और साथ में इसी हाथ में मेरा एक कैमरा भी है। गाइस मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक कैक्टस का पौधा है जो यहाँ पे नेचुरली बहुत उगता है। शहरों में तो लोग इसको यू नो बाहर से ख़रीदते हैं या लगाते हैं और लेकिन वो थोड़ा सा आई थिंक वैरायटी अलग होती है बिकॉज ये जो कैक्टस होता है इसमें थोड़ा जहर होता है और इस जहर को इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग थोड़ा सा मछली मारने के लिए भी, कि इसको पत्तों को काट के उनको कूटते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं जिस एरिया पे मछली होती है और उस जहर से वो मछली मर जाती है। गाइस देखिए नज़ारा कितना पास हो गया है। अब ये रास्ता थोड़ा अच्छा है यहाँ पे और
ये आगे जाके मेरे चाचा जी आगे पहुंच गए बहुत, बिकॉज मैं थोड़ा वीडियो बनाने में मस्त हूँ। नदी के पास पहुँचने वाला है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो पेड़ वगैरह हिल रहा है, देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, क्योंकि नदी के पास थोड़ा हवा चलती रहती है और थोड़ा ठंड भी रहता है। अब जब मैंने जैकेट पहना था मुझे थोड़ा पसीना आ गया था, मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं जैकेट पहनूंगा नीचे जाके थोड़ा सा। यह रास्ता फिसलन भरा है गाइज, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा नीचे जाके, जो कि पहाड़ों में अगर आप पहाड़ी होंगे तो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आपको शायद नहीं पता हो। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ करते हैं शायद से, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको कभी भी आप अगर पहाड़ों में जाते हैं, उत्तराखंड या हिमाचल कहीं भी जाते हैं, नदियों के पास में आपको क्या नहीं करना है। देख सकते हैं रास्ता इतना ज़्यादा, थोड़ा यहाँ पे पेड़ पौधे आ गए हैं, मुझे अपने जैकेट के थोड़ा बचने का डर लग रहा है, क्योंकि कहाँ काफ़ी सारे पौधे होते हैं जिनमें झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं। मेरे चाचा जी बहुत आगे जा चुके हैं, पर कोई नहीं, बाकी जाएंगे भी तो मेरा वेट करेंगे थोड़ा। देखिए अभी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम पुल की तरफ पहुंचेंगे तो वहां से नीचे का रास्ता भी है। यहां से नदी कितना साफ दिख रही है, देखिए वो सीढ़ियां थी यहां से हम आए थे, वो वाले आपको दिख जाएंगे अगर, वो सीढ़ियां वहां से हम आए थे, और वहां वो नीचे मंदिर है। तो मेरे चाचा जी बैठ गए हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं, थक गए हम काफ़ी। तो गाइज़ ये फाइनली हम नदी तक पहुंच गए हैं, आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है हमें, ठंडी हवा चल रही है, पर मैंने जैकेट अभी नहीं पहना है तक, बट क्योंकि वही थोड़ा ऊपर का रास्ता वापस है, जब हमें वापस जाना होगा तो ऊपरी चढ़ाई है, तो मुझे पे कहीं दोबारा निकालना पड़ेगा। ये कितना सुंदर रास्ता है, कितना सुंदर व्यू है। पूरा जंगल है ऊपर की तरफ, जहाँ यू नो भालू शेर चीते वगैरह आते रहते हैं, तो थोड़ा रात के टाइम यहाँ पे थोड़ा डर होता है। तो इस रास्ते, खैर इस रास्ते में तो हमने अभी तक आते हुए किसी को देखा नहीं साथ में, तो फिर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे जिस रास्ते से हम आए हैं। गाइस मैंने आपको एक चीज़ जो बताई थी, बोली थी कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उत्तराखंड या हिमाचल कहीं भी जा रहे हैं नदी के पास में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई लड़की है या कोई भी अगर लड़का है जिसके बाल लंबे हैं, तो उनको अपने बाल खोल के नहीं जाने चाहिए। दूसरा, आप अगर फिसलते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपको फिसलना नहीं है। और तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप रोएं नहीं। ऐसा माना जाता है, जैसे आपने बोला होगा, देखा होगा कि हिमाचल या उत्तराखंड है, इन जगहों पर देवी देवता वगैरह का काफ़ी वास रहता है, बस यहाँ पर जो प्रेत वगैरह है उनका भी काफ़ी सारा साया रहता है। तो इसका मैं कारण बता देता हूँ कि जो शहरों में आपने देखा होगा शमशान घाट वगैरह होते हैं, पंडित लोग क्या करते हैं उनके आसपास में कैर बांधते हैं, जिससे कि हम लोग वहाँ पे कोई भी अगर आत्मा वगैरह अगर या किसी भी जिन भी शख्स को वहाँ पे उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी जो आत्मा होती है वो उसके बाहर नहीं जाती है, वो सीधा स्वर्ग या नर्क जो भी जिस तरह से हैं वहाँ जाते हैं उसके बाहर नहीं जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस तरह का कोई बाउंड्री वॉल पर्टिकुलर होता नहीं है पहाड़ों में, तो यहाँ पे कैर नहीं बांधी जा सकती, और इसीलिए जो भी आपका यहाँ पे आत्माएं होती है वो भटकती हैं। तो अगर इस तरह से कोई हाथ कोई चीज़ के आप बाल खोल के आ रखे हैं या रो रहे हैं या फिर आप गिर गए हैं फिसल गए हैं, तो उस समय डर रहता है इस चीज़ का कि वो शायद आपको जकड़ ले, और तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस समय आपको, यू नो, आपकी हेल्थ के लिए, आपका यू नो पर्सनल लाइफ के लिए। और तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप लोग घूमने जाएँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोग कैंपिंग करते हैं, ऋषिकेश है, कहीं भी हैं, किसी भी जगह जाते हैं, उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, थैंक यू। हम लोग यहाँ घर पहुँच चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि घर पहुँच के आपको थोड़ा सा और अपडेट दूंगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात आई थिंक जो होती है पहाड़ों की, वहाँ पे होता है कि जब भी कोई पूजा होती है, कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे सब लोग, लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग सब बाहर मिलकर खाना बनाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखते हैं यहाँ पे सारी लेडीज़ वगैरह हैं, हर घर की जो है लेडीज़ यहाँ पे बैठ के अभी यू नो खाना बना रहे हैं, रोटियाँ बन रही हैं यहाँ पे ये रात के लिए। पहले अभी पूजा होगी, उसके बाद में फिर रात को आई थिंक 7-8 बजे का इसमें खाना होगा। शाम का वक्त हो चुका है, पूजा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी कजिन सिस्टर है पिंकी, और इनके बच्चे अगर भी हैं यहाँ पे साथ में, इनकी बेटी है, और जुत्ता जुत्ता यहाँ पे इतना शोर चला है, और यहाँ पे अभी ढोल वगैरह आ चुके हैं, हम लोग
अभी थोड़ा डांस वांस भी होगा, पहले ढोल वाले उसको थोड़ा गर्म कर रहे ताकि अच्छे से उसकी साउंड आए, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी वहाँ पे, ठीक है, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हम कहेंगे सारे थोड़ा डांस सिखा देता हूँ, उसका थोड़ा बहुत डांस करेंगे, आता नहीं है। तो अभी चलते हैं बाहर। दोस्तों अब यहाँ पे सारा प्रोग्राम सब खत्म हो चुका है, और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आज मॉर्निंग में हम पहले पूजा करने गए थे, उसके बाद में मैं और मेरे चाचा जी घूमने निकल गए, हमने थोड़ा सा रास्ता एक्सप्लोर किया, अलग अलग जगह 2-2.5 घंटे घूमे, नदी के वहाँ पे, पुल के वहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी आज। उसके बाद वापस हम घर आए, फिर एक पूजा थी, फिर ढोल और गानों पर लोगों ने डांस किया, बहुत खुश थे, हमने कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचवाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और अगली जो दिन की वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।